हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आइसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले बेड बैकड्रॉप के बारे में, बेड के पीछे की वॉल को किस तरीके से डिज़ाइन किया है उसकी बात करने वाले, बेड के हेडबोर्ड की बात करने वाले। नाउ अगर ये सीरीज़ आप काफ़ी वक्त से फॉलो कर रहे हैं और आपने काफ़ी सारे वीडियोस इसके देखे हैं, तो आपने इस मटेरियल के बारे में, या अभी तो हम मास्टर बेडरूम में हैं तो इन टाइल्स के बारे में, या बाकी भी जो बेडरूम्स है उसके बेड के पीछे वाली जो दीवार है उसमें हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, क्या पैटर्न है, क्या फिनिशिंग है, उसके बारे में आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। मैं और स्वप्निल हम दोनों भी टेस्टेड पॉजिटिव, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें कंपलसरी ब्रेक ही लेना पड़ा। जितने दिन हम ब्रेक पे थे, हमने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे रील्स अपलोड किए थे, यहाँ पर आप रील्स के स्निपेट्स देख सकते हैं। सो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो डेफिनेटली फॉलो कीजिए। हम कोशिश करने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे हम डिटेल में लंबे वीडियोस बनाते हैं, तो वहाँ पर हम छोटे छोटे स्निपेट्स डालेंगे। इफ़ एट ऑल अगर आपको वक्त नहीं है और क्विकली आप कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे देखना काफ़ी आसान हो जाएगा। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि वार्डरोब का काम काफ़ी हो चुका था बट हैंडल्स वगैरह नहीं लगाए थे। नाउ यू कैन सी कि ऊपर लैमिनेट फिनिश है, जितने भी लोगों ने पूछा था, तो ऊपर लैमिनेट फिनिश है। नीचे हमने ये लूअर्स यूज़ किए हैं, लूअर्स का मटेरियल जो स्ट्रिप फॉर्म में आता है वो यूज़ किया है। और हैंडल्स भी हमने इस तरीके से सिलेक्ट किए थे जो इसके एग्जैक्टली बीच का जो डिप्रेशन होगा उसमें फिट हो जाएंगे। बट दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट वार्डरोब। सो ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मटेरियल है सेम मटेरियल हमने हेडबोर्ड में यूज़ किया है। ये जो लूअर्स है उसके और हेडबोर्ड के बीच में इफ़ यू सी एक मेटल स्ट्रिप हमने यूज़ किया। नाउ इस बेडरूम में जहाँ पर भी हमें मेटल स्ट्रिप वगैरह यूज़ करनी थी, कोई भी मेटल एक्सेंट यूज़ करना था, तो हमने मैट गोल्ड वाली PVD कोटिंग वाली स्ट्रिप यूज़ किए। सिमिलर स्ट्रिप हमने यहीं पे भी यहाँ पर भी यूज़ किए, सो दैट इसके इसमें जो ग्रूव्स है, डिप्रेशंस है और प्रोजेक्शंस है, तो वो बहुत नीट और क्लीन दिखेंगे। और इसके बीच में कुछ तो एक फिनिशिंग मटेरियल होना चाहिए, इसके लिए हमने इसको यूज़ किया। तो इसके पहले हम एक मोल्डिंग की पट्टी यूज़ करने वाले थे, बट क्योंकि ये जो पूरी बेडरूम है उसका डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न है, सो वी फेल्ट अगर उसमें हम ट्रेडिशनल मोल्डिंग वाली स्ट्रिप डाल देंगे तो वो बाकी किसी चीज़ के साथ अच्छे से जेल नहीं होगी, कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी। तो इसके लिए वी डिसाइडेड कि हम ये स्ट्रिप लगाएंगे। नाउ ये जो हेडबोर्ड है यहाँ से अभी आप देखोगे थोड़ा बाहर आ गया, क्योंकि ये फिक्स नहीं किया है, जस्ट इसको अभी रखा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे थे कि ये कैसे दिखेगा। इट इज़ रेडी और ये लगा भी सकते हैं, बट अभी के लिए ऐसा ही रखा हुआ है, इसको आई थिंक कल फिक्स कर देंगे। नाउ इसके लिए भी ये भी जो फैब्रिक है, ये सारे फैब्रिक्स जैसे दिल्ली से सिलेक्ट करके ऑर्डर करके यहाँ पे आए थे, और तो फैब्रिक यहाँ पे आने के बाद हेडबोर्ड बनाने का काम यहाँ पे हुआ है। ऊपर हमने ये चेस्टरफील्ड वाला पूरा पैटर्न ले लिया और नीचे हमने पूरा प्लेन कर दिया, बट आई थिंक अभी वो जिस तरीके से दिख रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो है ब्लूइश टिंट में जो भी फिगर्स है उसके साथ ये अच्छा लग रहा है। और क्योंकि ये इसमें पूरा पैटर्न है तो नीचे वाला प्लेन अच्छा लग रहा है। अगर दोनों में पैटर्न करते हो, दोनों में स्टिचिंग में कुछ ये करते हो, बहुत ज़्यादा लगता था। इसके नीचे एक LED स्ट्रिप भी है जो अभी बंद करके रखी है, बट यस, तो नीचे से भी इनडायरेक्ट लाइट आने वाला है। नाउ टूवर्ड्स द विंडो जो सीटिंग है उसके लिए भी हमने सेम फैब्रिक चूज़ किया है, जिसके अगर आप देखोगे तो उसके वो जो मैट्रेस है वो बन के रेडी है, नीचे की गद्दी है वो बन के रेडी है, उसको सिर्फ इस फैब्रिक के कवर स्टिच करने हैं जो कल हो जाएंगे। सो या दैट्स अबाउट द बैकड्रॉप। ये टाइल्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, 8x4 के टाइल्स हमने लगाए हैं, 3 टाइल्स लगाए हैं। इसके बारे में पहले वाले वीडियोस में इन्फॉर्मेशन है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो यू कैन सी दोज वीडियोस। नाउ दोनों साइड में यहाँ पर जो लाइट पॉइंट छोड़ा है इसके लिए हमने लाइट सिलेक्ट किए हैं, उसका विजुअल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लाइट्स हमने सिलेक्ट किए हैं और ये उसमें भी एक गोल्ड वाला गोल्ड फिनिश वाला ये लाइट है जो बाकी सारे गोल्ड स्ट्रिप और सबके साथ अच्छा लगेगा, और वो डिमेबल लाइट है। तो उसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्कल है, तो वो सर्कल आप टर्न करोगे तो वो लाइट आप डिम कर सकते हैं, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड प्रॉपर्टी फॉर अ साइड टेबल लाइट, कि आपको जितना भी चाहिए उस तरीके का एम्बियंस आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये दोनों लाइट्स का सिलेक्शन हो चुका है। इसके लिए हमने ग्लास जो मिरर है उसके ऑर्डर दे चुके हैं हम लोग। नाउ यहाँ पर एक ब्राउन टिंटेड मिरर आने वाला है और जिसके साइड में मेटल स्ट्रिप आएगी, इसकी ऑर्डर भी हम दे चुके हैं। तो फिर ये खाली इतना ही पोर्शन है जो फिनिश नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा। अदरवाइज इफ़ यू सी, ये रूम काफ़ी हद तक कम्प्लीट हो चुकी है। सो अभी हम डॉटर्स बेडरूम में हैं और यहाँ पर एज यू कैन सी यहाँ पर भी हेडबोर्ड का काम हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्लियर थे कि ऊपर जो फिंगर जॉइंट बोर्ड है उसमें जो हमने ग्रूव्स दिए हैं वो काफ़ी रैंडम है, मतलब प्लान किए हैं बट दिखने में रैंडम है उसका पैटर्न। तो सेम हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम वर्टिकल स्ट्राइप्स में ही रखेंगे उसको, वर्टिकली ही हेडबोर्ड को डिवाइड करेंगे बट इक्वी डिस्टेंट पीसेस करेंगे। तो इस तरीके से किया है और हम चाहते थे कि एकदम ही फ्लैट ना हो, वो फिल होने के बाद उसमें फोम इतना हो कि वो थोड़ा सा
भरा हुआ दिखे, तो इसके लिए इफ़ यू सी कि एकदम इसको फ्लश नहीं है साइड में, उसको जो बॉर्डर किया है उसको ये फ्लश नहीं है, और ये जो कुशनिंग किया है, फोमिंग किया है, वो थोड़ा सा बाहर आ रहा है. सो एग्जैक्टली हम ऐसे ही चाहते थे. एंड नॉट जस्ट दिस हेडबोर्ड, बट दूसरे भी जो हेडबोर्ड है, मास्टर बेडरूम का भी हेडबोर्ड जो हमने देखा, वहाँ पर भी हमने फोमिंग बहुत ज़्यादा किया, थिक किया है, ताकि प्रॉपर वो जो पैटर्न है स्टिचिंग का, वो करने के बाद वो भरा हुआ दिखे और एकदम फ्लैट ना दिखे इसके लिए. सो ये जिस तरीके से बनाया, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. ये भी अभी जस्ट रखा हुआ है, इफ़ यू सी, इसको फिक्स नहीं किया है, सिर्फ अभी के लिए रखा है. तो इसको भी निकालेंगे, अभी रैप करके रखेंगे और बाद में उसको फिक्स करेंगे. प्रोबेबली दो दिन में थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, उसके बाद करेंगे. तब ये जो पॉइंट है, इसके लिए हमने जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो लाइट सेलेक्ट किया है. सो सिमिलर जैसे 3D में था इनिशियली हमने दिखाया था, वैसा लाइट हम ढूंढ रहे थे. और इफ़ यू सीन द क्रॉफर्ड मार्केट वाला वीडियो, तभी भी हम लाइट शॉप में वही डिस्कस कर रहे थे कि सिमिलर लाइट फिटिंग मिलेगा क्या, फिर उसको क्या कस्टमाइज करके ले सकते हैं. पर जब हम मास्टर बेडरूम के लाइट सेलेक्ट कर रहे थे, तभी हमें एक सिमिलर लाइट जो हम चाहते थे वैसा मिल गया है. सो इट इज़ इन ब्लैक एंड गोल्ड, थोड़ा सा हिस्सा उसका गोल्ड है, जो यहाँ पर आई थिंक लगने के बाद परफेक्ट लगेगा. जो इस वॉल का प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से आई थिंक वर्टिकल स्लीक लाइट फिटिंग यहाँ पे बहुत अच्छा दिखेगा. सो वो कुछ ही सिलेक्शन, हार्डली कुछ चीज़ों का सिलेक्शन बाकी था, वो हो चुका है. नाउ एंट्रेंस लॉबी में जो शू रैक बनाया है, उसके दोनों साइड में ऊपर जो मिरर आने वाला है, उसके दोनों साइड में जो लाइट है वो भी सिलेक्ट करने, तो वो अभी तक फाइनल नहीं किए हैं. काफ़ी सारे लाइट्स हमने देखे, पर उसके लिए जो हमें स्लीक लाइट चाहिए वैसा एग्जैक्टली उस प्रोपोर्शन का लाइट हमें नहीं मिल रहा है. सो वो खाली सिलेक्शन बाकी है. बाकी ये वाले लाइट्स जो भी बैलेंस है, थोड़े से 10% ऑफ द वर्क वॉज बैलेंस सिलेक्शन का, वो हो चुका है. अभी हम पेरेंट्स बेडरूम में हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे बाकी बेडरूम्स के मैट्रेस, और यहाँ पे विंडो में जो सीटिंग आने वाला है उसका मैट्रेस भी यहाँ पर है. इसके लिए रूम में थोड़ा सा मैट्रेस फैब्रिक, इसके वजह से थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सामान हो गया है. टॉकिंग अबाउट द हेडबोर्ड, यहाँ पर इसका जो फैब्रिक है ना, क्योंकि इसके पीछे वाला ये जो पैनलिंग है, थोड़ा सा कलर भी इसका ब्राइट है, और यहाँ पर जो इस स्क्वायर्स का स्केल हमने डिसाइड किया था, तो इफ़ यू सी छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं और ये सब डिटेलिंग है, इसके वजह से हमने डिसाइड किया था कि इसका जो हेडबोर्ड होगा वो हम कंपैरेटिवली सिंपलर रखेंगे. अगर ये प्लेन होता तो यहाँ पर हम स्टिचिंग में कुछ ना कुछ करते, या बटन्स ऐड करते, या चेस्टरफील्ड जैसा पैटर्न कुछ तो इसमें करते, रिवेट्स वगैरह लगाते. पर क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, तो इसके लिए भी डिसाइडेड कि उसको थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए या थोड़ा बैलेंस करने के लिए हम इसको सिंपल रखेंगे. सो द ओनली थिंग दैट वी डिसाइडेड वॉज टू हैव अ बॉर्डर ऑन 3 sides. तो तीनों साइड में, इफ़ यू सी, यहाँ पर सिर्फ एक स्टिचिंग है, और दोनों पीसेस ही डिफरेंट ही है. ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्टिचिंग करके इसको अंदर ये डिप्रेशन क्रिएट किया है. ये एक्चुअली एल में एक डिफरेंट पीस है और ये एक डिफरेंट पीस है, और अभी ये हिल रहा है क्योंकि इसको सिर्फ रखा हुआ है. तो रेडी है बट फिक्स नहीं किया है इसके लिए, इफ़ यू सी, ऐसे मूव हो रहा है. बट एक बार ये फिट हो जाएगा तो पीछे भी इसका प्लाई का बैकिंग है और उसके भी साइड में फैब्रिक लगाया हुआ है, तो एक बार फिट हो जाएगा तो अच्छे से रहेगा. और यहाँ पर कुशन्स वगैरह आने के बाद ऑब्वियसली यू वोंट सी इतना पोर्शन खाली तो नहीं दिखेगा सब आने के बाद. और बेड के साइड में जो बॉर्डर है, साइड में जो फोमिंग है जिसके ऊपर अभी प्लास्टिक लगाया है, बट स्टिल यू कैन सी वहाँ पर भी हमने सेम फैब्रिक यूज़ किया है. नाउ मास्टर में जैसे नीचे से एक LED स्ट्रिप लाइट जा रही है, यहाँ पर भी ऐसी है, तो आपको नाइट जो फुट लाइट वगैरह होता है उस पर्पज़ के लिए ये यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको सेपरेटली लाइट्स कहीं पे नहीं लगाने हैं तो इस तरीके से भी बेड के नीचे लाइट लगाएंगे तो वो आँख में भी नहीं आता है. और रात को अगर आपको वॉशरूम वगैरह यूज़ करनी है या अदरवाइज़ भी एम्बियंट लाइटिंग के लिए, आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन है. तो ये हो गया. नाउ इस रूम में जो विंडो के यहाँ पे सीटिंग आने वाला है उसके ऊपर भी सेम यही फैब्रिक हमने ज़्यादा ऑर्डर किया था, तो वहाँ पर भी सेम फैब्रिक में ही उसके लिए कवर बनेगा. उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और ऑल वीडियोज इस ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कीजिएगा. इस साइट पर अभी तक हमने जितने भी एपिसोड शूट किए, अगर अभी तक आपने वो एपिसोड नहीं देखे तो यहाँ पर एक कार्ड ऐड कर देंगे. मेक श्योर आप कार्ड पर क्लिक कीजिए और सारे एपिसोड आप वहाँ पर देख सकते हैं. तो लेट मी नो इन द कमेंट्स आप किस तरीके के वीडियोस इसके आगे देखना पसंद करेंगे इस साइट के ऊपर. या मिलेंगे जल्दी एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर. तब तक के लिए बाय.